अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ताहरा हुसैन। आज मैं आपके साथ बात करूंगी गर्मियों के फल तरबूज़ के बारे में। जो लोग तरबूज़ खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो पहले ये जान लें कि तरबूज़ में कौन कौन सी खसूसियत पाई जाती हैं, इसको खाने का सही टाइम और तरीका क्या है, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तरबूज़ में बेशुमार तिब्बी फ़वाद पाए जाते हैं। आज की वीडियो में स्किन प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए कुछ फेस पैक और ड्रिंक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तरबूज एक ऐसा बेमिसाल फल है जिसके अंदर 92% पानी पाया जाता है। इसके अलावा ये पोटाशियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर है। इसमें मिनरल्स विटामिन ए बी सी बाकसरत पाया जाता है। कुदरत ने तरबूज के अंदर बेशुमार शफाई असरात रखे हैं। गर्मियों के मौसम के तमाम अमराज के लिए ये यकसा मुफीद है। मज़े की बात यह है कि तरबूज के रेड वाले हिस्से में जो खसूसियात और फवाद पाए जाते हैं, वही उसके छिलके में भी पाए जाते हैं। इसलिए आप तरबूज का ग्रीन वाला छिलका खा भी सकते हैं या उसका जूस बना के पी सकते हैं। तरबूज मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है, भूख में इजाफा करता है, ये खून को पतला करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अमराज़े कल्ब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हर किस्म की एलर्जी और जलन को ख़त्म करता है। गुर्दे और मसाने में पथरी नहीं बनने देता। तरबूज कब्ज़ को ख़त्म करता है, दिमाग को ताकत देता है। खुश खांसी और हर किस्म के यरकान का ये बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा तरबूज सांस की दुश्वारी, दिल की कमज़ोरी, सर दर्द और चक्कर का भी बेहतरीन इलाज है। तरबूज जिस्म में ग्लूकोज की मकदार को पूरा करता है। ऐसे अफराद जिनके मैदे में ज़ख़म है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, तो वो तरबूज को बीज के साथ सुबह निहार मुँह खाएँ तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तरबूज के बीज शुगर के मर्ज़ का बहुत अच्छा इलाज है। अगर शुगर के मरीज़ रोज़ाना 2 चम्मच तरबूज के बीज को 2 कप पानी के अंदर डाल के अच्छे से उसको बॉयल करें और इसको चाय के तौर पर पिएँ, तो ये उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ 150 ग्राम के करीब तरबूज, जो कि 1 कप के करीब बनता है, रोज़ाना खा सकते हैं। इसको 20 समेत खाएं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि तरबूज को खाली पेट खाएं, और तरबूज खाने का जो सही टाइम है वो सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले, इसके दरमियान के ब्रेकफास्ट और लंच के जो दरमियान का टाइम है, ये बेस्ट टाइम है तरबूज खाने का। प्रेगनेंसी में फीमेल्स तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिस्म से पानी और खून की कमी को पूरा करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। प्रेगनेंसी में जो इश्यूज़ हो जाते हैं स्वेलिंग के, हार्ट बर्न के या फिर स्टमिंग के, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा तरबूज हर किस्म के जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। ये चेहरे को खूबसूरत बनाता है, जिल्द को हाइड्रेट करता है। ये एक कुदरती स्किन टोनर है। इसको आप इजीली घर में बना सकते हैं। थोड़े से तरबूज के जूस के अंदर आप रोज़ वाटर डाल के इसको अपने फेस पे 10 से 15 मिनट लगाएं और इसको वॉश कर लें। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो 2 चम्मच के करीब तरबूज लेके उसके अंदर हाफ बनाना डाल के इसको अच्छे से मैश करें और 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगाएँ। इससे चेहरे पर नमी पैदा होगी और जल्द भी तरोताज़ा होगी। इसके अलावा तरबूज का जो जूस है या इसका जो पल्ब है, ये एक्नी स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जिनकी स्किन ऑयली है, वो 2 चम्मच तरबूज के अंदर 1 चम्मच दही और थोड़ा सा शहद मिला के इसका पेस्ट बनाएं और अपने फेस पे अप्लाई करें। ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन पर एक्नी भी नहीं बनेंगे और ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और बॉडी को रोज़ाना बहुत अच्छी विटामिन सी डोज मिले, तो 1 कप के करीब तरबूज या उसके छिलके काट लें, उसके अंदर 1 गिलास पानी, थोड़ा सा अदरक और शहद डाल के इसका जूस बनाएं और इसको पिएं। ये आपकी स्किन और बॉडी को हर तरह की मौसमी असरात और बीमारियों से महफूज रखेगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ाना 1 गिलास तरबूज के जूस में थोड़ा सा लीमू डाल के पिएं, तो उनका बीपी कंट्रोल रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।